जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 7 आओ पानी को समझे को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब इस चित्र में देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बरसात में उछल कूद करते बच्चे है ना। वैसे इस चित्र में कलर भरना, आपको दिए गए चित्र को बिंदुओं से मिलाइए और रंग भरिए। दिए गए चित्र को मिला के रंग भरना है, ठीक है, बिंदुओं को मिलाकर रंग भरना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, सोचिए और बताइए, इन प्रश्नों को आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, देखो इधर ये रहा चित्र, चित्र में क्या कर रहे बच्चे हैं। चित्र के अनुसार बच्चे बरसात में नहा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, नहा रहे और उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं चित्र में बच्चे, नहा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बाकी वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए बाकी वाले प्रश्नों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। क्या है पहला प्रश्न, आप बरसात आने पर क्या क्या करते हैं। क्या प्रश्न है पहला, आप बरसात आने पर क्या क्या करते हैं। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, मैं बरसात आने पर बरसात में नहाता हूँ। हमें उत्तर क्या लिखना है, मैं बरसात आने पर बरसात में नहाता हूँ, गाने गाता हूँ, उछल कूद करता हूँ और कागज़ की नाव बनाकर बरसात के पानी में छोड़ता हूँ। क्या प्रश्न है, आप बरसात आने पर क्या क्या करते हैं। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, मैं बरसात आने पर बरसात में नहाता हूँ, गाने गाता हूँ, उछल कूद करता हूँ और कागज़ की नाव बनाकर बरसात के पानी में छोड़ता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि बरसात आने वाली है। दूसरा प्रश्न क्या है, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि बरसात आने वाली है। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, बरसात आने से पहले बादल काले हो जाते हैं, बरसात आने से पहले बादल काले हो जाते हैं तथा बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान आने लगते हैं। इससे ये अनुमान हो जाता है कि बरसात आने वाली है। क्या है प्रश्न संख्या 2, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि बरसात आने वाली है। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, बरसात आने से पहले बादल काले हो जाते हैं तथा बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान आने लगते हैं, इससे ये अनुमान हो जाता है कि बरसात आने वाली है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है आगे, आपने भी रजत की तरह बरसात का आनंद लिया होगा। आपने भी रजत की तरह बरसात का आनंद लिया होगा और गीत गाए होंगे। आपके बरसात के अनुभव कक्षा में सुनाने हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है, क्या आपने भी रजत की तरह बरसात का आनंद लिया होगा और गीत गाए होंगे, आपके बरसात के अनुभव को कक्षा में बताना है, ठीक है। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, बरसात आने पर मैं
हमें अनुभव में क्या बताना है? बरसात आने पर मैं और मेरे मित्र, बरसात आने पर मैं और मेरे मित्र मिलकर बरसात में नहाते थे। बरसात आने पर मैं और मेरे मित्र मिलकर बरसात में नहाते थे। खूब उछल कूद करते थे, खूब उछल कूद करते थे। बरसात के समय बहुत से गाने गाते थे, बरसात के समय बहुत से गाने गाते थे। हम सब मित्र मिलकर कागज़ की नाव बनाते तथा उनको बरसात के पानी में छोड़ते थे, तथा मित्रों के घरों पर गर्मा गर्म पकौड़े खाते थे, तथा मित्रों के घरों पर गर्मा गर्म पकौड़े खाते थे। क्या है तीसरा प्रश्न? आपने भी रजत की तरह बरसात का आनंद लिया होगा और गीत गाए होंगे। आपके बरसात के अनुभव कक्षा में सुनाइए, ठीक है? तो उत्तर क्या लिखना है? बरसात आने पर मैं और मेरे मित्र मिलकर बरसात में नहाते थे, खूब उछल कूद करते थे, बरसात के समय बहुत से गाने गाते थे, हम सब मित्र मिलकर कागज़ की नाव बनाते तथा उनको बरसात के पानी में छोड़ते थे, तथा मित्रों के घरों पर गर्मा गर्म पकौड़े खाते थे। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।